उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिटवल में प्रधानमंत्री का सपना 2025 तक टीबी मुक्त देश अपना कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ल ने एनएम आशा आंगनबाड़ी को टीबी के लक्षणों बचाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार टीबी मुक्त करने के लिए गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक कर रही है। वहीं टीबी के मरीजों का स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री इलाज किया जा रहा है। जागरूक इसके लिए जो सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, क्षय रोगी सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है 24 फरवरी से 10 मार्च तक, जिसमें हम लोगों का जो मिठवल ब्लॉक का टारगेट है 35,000 पेशेंट के हम लोग बलगम जांच करेंगे, जिसमें लगभग 35,000 जनसंख्या में हम लोग जांच कर रहे हैं, जिसमें 700 लोगों की बलगम जांच होगी जो हमारा टारगेट है, 35,000 का टारगेट है। टीबी के लिए जो है अगर किसी को उपाय तो यही है कि जैसे मान लिया इसका जो मेन एक लक्षण होता है, सबसे पहले तो हमें लक्षण जानना होगा कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, बलगम निकल रहा हो, बलगम के साथ खून आ रहा है, भूख न लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए सस्पेक्ट किया जाता है कि टीबी हो सकता है, तो इन लोगों की जांच कराई जाती है। बलगम की जांच एक ऑन द स्पॉट जिस समय मरीज आता है उस समय लिया जाता है, और एक दूसरा कप उसको दिया जाता है कि सुबह का बलगम लेकर के आता है, और तीसरा जिस समय माइक्रोस्कोपिक सेंटर पे आता है वहां पे लेते हैं, उसके बाद जांच करने के बाद उसमें जो भी रहता है पॉजिटिव या निगेटिव उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।